नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे व्यक्ति को अपने घर में किस तरह का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि अमूमन लोगों को अपने घर में पौधे रखने का शौक होता ही होता है, मगर कुछ पौधे लाभदायक होते हैं, कुछ पौधे कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचाते हैं। और क्या आप जानते हैं इन्हीं पौधों को रखने की डायरेक्शन भी होती है, मगर डायरेक्शंस की यानी दिशाओं की तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे जो व्यक्ति पौधे रखने के शौकीन होते हैं या नहीं भी शौक रखते हैं, तो उनको अपनी राशि अनुसार ऐसे कौन से गिने चुने पौधे हैं जो अपने घर में हमेशा रखने चाहिए, जिसकी वजह से उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, साथ ही साथ उनके जीवन में हरियाली आएगी। तो बात करेंगे हम 12 राशियों की, राशि अनुसार आप कौन से पौधे अपने घर में लगाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की, हमेशा की तरह यानी एरीज की। बात करेंगे मेष राशि वालों की यानी एरीज की, तो एरीज वालों को यानी मेष राशि वालों को अपने घर में आम का पौधा हमेशा लगाना चाहिए। आम का भी पौधा आप लगा सकते हैं, इसके साथ साथ आंवले का पौधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। बात करेंगे टॉरस की यानी वृषभ राशि वालों की, तो आप लोगों को गूलर का या फिर अशोका का पौधा अपने घर में हमेशा लगाना चाहिए, लगा के रखना चाहिए। बात करेंगे हम तीसरी राशि यानी जेमिनी मिथुन राशि वालों की, तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहेगा या तो आप अपने घर के सामने बरगद का पेड़ हो, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप बैम्बू का ट्री भी रख सकते हैं। जो छोटे बैम्बू ट्रीज आजकल फेंगशुई में चलते हैं, आप वो भी रख सकते हैं, आपके जीवन में आपके लाइफ में प्रोस्पैरिटी आएगी। बात करेंगे कर्क यानी कैंसर की, तो आपके लिए बेहतर रहेगा पीपल का पेड़ आपके यदि घर के सामने हो तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो आप अपने घर में आंवले का पेड़ भी लगा सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे हम लियो यानी सिंह राशि वालों की, तो आपके लिए जामुन का पेड़ बहुत शुभ रहेगा। कन्या की बात कर लेते हैं विर्गो की, तो आपके लिए बेहतर रहेगा अमरूद का पेड़, साथ ही साथ आप बेल का पौधा भी लगा सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम तुला राशि वालों की यानी लिब्रा की, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा मौलसरी का पौधा या पेड़ आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप मौलसरी का यदि आप पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने पूर्व जो आपके जन्म दोष हैं उनसे भी आप मुक्ति पाएंगे। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की, तो आपके लिए नीम का पौधा बहुत बेहतर रहेगा। धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की, तो आपके लिए गूगल का पौधा शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न की, तो आप लोगों के लिए कटहल का पेड़ ज़्यादा अच्छा है, या आप अपने घर के सामने मुख्य द्वार के सामने या अपने बागीचे में कटहल का पेड़ लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कीकर का पौधा भी लगा सकते हैं। बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों की यानी एक्वेरियस की, तो एक्वेरियस वालों के लिए बेहतर रहेगा शमी का पौधा, तो शमी का पौधा आप अपने घर में लगाइए। बात करेंगे हम अंतिम राशि की मीन राशि वालों की यानी पाइसिस की, तो पाइसिस वालों के लिए सबसे बेहतर रहेगा नीम का पेड़, नीम का पौधा या पेड़ अपने घर में लगाइए, आपके लिए शुभता रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये विषय पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।